नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुटी दीक्षित। चलो चार धाम यात्रा। जी हां, 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। सुबह केदारनाथ के रावल भीमा शंकर लिंग उखी मठ से केदारनाथ के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं केदारनाथ की चल उत्सव विग्रह डोली रविवार को अपने अंतिम आबादी पड़ाव गौरीकुंड पहुंची, जहां पर गौरी माई मंदिर में डोली शाम के समय पहुंचेगी। ताजा जानकारी ली है हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा ने। आज यहां पर शुरू कर दी गई है और इस सबसे जो बड़ी बात है कि मौसम ने जिस प्रकार से इस बार ये कह सकता है कि अपने प्राकृतिक नजारे यहां पर दिखाए, सौंदर्य अपना दिखाया, तो उसमें हम दिखा सकते हैं, हमारे साथी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से केदारनाथ की जो ये घाटी है इस समय ये पूरी तरीके से बर्फ से आच्छादित इस समय नजर आ रही है। सफेद चादर ओढ़े हुए इस समय नजर आ रही है, यानी जो पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन्हें बर्फबारी का वो नज़ारा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा केदारपुरी में, जिसके लिए वो लालायित यहाँ पर रहते हैं कि इस घाटी में आएंगे और यहाँ पर बर्फ का वो नज़ारा देखेंगे। मेरे पीछे यहाँ पर ये हेलीपैड है, जिस हेलीपैड पर श्रद्धालुओं के लगातार आने की जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। एक हेलीकॉप्टर आता है, दूसरा उठ के चल जाता है, इसी तरह से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। जो पैदल मार्ग से जो घोड़े खच्चरों या पैदल से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी निरंतर यहाँ पर आने का सिलसिला उनका जारी है। जी, सुरक्षा के लिहाज से देखें तो आईटीबीपी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तराखंड पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी उन व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद बनाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अभी भी ये कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं इस बदले हुए मौसम के चलते उतनी यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है जो अक्सर चारधाम की तैयारियों से पहले यहाँ पर होनी चाहिए थी। और उसके पीछे की वजह यही मानी जा रही है कि जो मौसम खराब हुआ है, लगातार इस घाटी में मौसम बदलता रहा है, बर्फबारी कल भी देर शाम तक यहाँ पर बर्फबारी होती रही और उसके चलते जो व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं यहाँ पर हो पाई। लेकिन अभी भी ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं सिलसिला आने का सिलसिला वो लगातार जारी है और ये कह सकते हैं कि कल सुबह जो केदारनाथ धाम के जो कपाट होंगे 6:10 पर श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ यहाँ पर खोले जाएंगे और उस समय स्वयं सूबे के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो भी और कपाट की जो प्रक्रिया खुलने की जो प्रक्रिया उस दौरान यहाँ पर रहेंगे, उनके द्वारा पहली पूजा यहाँ पर की जाएगी। कई जो क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि लोग होंगे वो यहाँ पर होंगे और हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु इस समय कह सकते हैं कि रास्ते में हैं, जो आज देर शाम तक यहाँ पर पहुँचेंगे वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। केदारनाथ की जो पंचमुखी जो डोली है वो आज शाम 5 बजे तक अपने अंतिम पड़ाव यानी गौरीकुंड से यहाँ केदारनाथ धाम में पहुँच जाएगी और कल सुबह जैसे ही खुलने की शुरुआत होगी, कपाट खुलने की शुरुआत होगी, वो यहाँ पर उसमें डोली में अंदर उसको डोली को अंदर ले जाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अगर सीधे तौर पर श्रद्धालुओं को उत्साह की बात करते हैं तो श्रद्धालु निरंतर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कुछ घोड़े खच्चरों के माध्यम से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कुछ पैदल रास्तों से यहाँ पर आ रहे हैं और उनका एक उत्साह और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रकृति ने अपने नज़ारे यहाँ पर दिखाए हैं, बर्फबारी जिस तरीके से यहाँ पर हुई है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, साथ ही साथ तो प्रकृति को अद्भुत और उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारे भी अपने मनों में कैद करते हुए यहाँ पर जाएंगे। जी अभय, आपके पीछे अगर कुछ श्रद्धालु हो तो उनसे बात करने की कोशिश करिए और उनसे जानिए कि उनके अंदर कितना उत्साह है चारधाम यात्रा को लेकर, केदारनाथ के कल कपाट खुलने को लेकर, कि एक तरफ मौसम का ये विकराल रूप बर्फबारी देखने को मिल रहा है, इस बीच श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है? देखिए, श्रद्धालुओं का उत्साह आप अंदाजा लगा सकते हैं, अभी फिलहाल ये समझा जा सकता है कि जो श्रद्धालु पैदल मार्ग से लौट कर आ रहे हैं वो इस कंडीशन में नहीं है या बोलना अभी नहीं चाहते, उनका कहना है कि पहले वो थोड़ा आराम करेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद अपने लिए व्यवस्था यहाँ पर ढूंढेंगे, क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि जो यात्रा है वो यात्रा कल से विधिवत रूप से यहाँ पर कपाट खुलने के साथ यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो बर्फबारी यहाँ पर पिछले दिनों हुई है उसके चलते वो व्यवस्था यहाँ पर पूरी नहीं जुट पाई थी, तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ श्रद्धालुओं को यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। लेकिन जितने ये कह सकते हैं कि यात्रियों में जो उत्साह देखने को मिला वो रास्ते भर में ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे थे उनका उत्साह चरम पर था और वो लोग सभी हैप्पीनेस यहाँ पर नजर आ रहे थे और एक जो यात्रा को लेकर उत्साह होना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने आप में एक पौराणिक और पवित्र यात्रा यहाँ पर कही जाती है, मनोकामना पूर्ण करने वाली यात्रा यहाँ पर कही जाती है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं
और उन श्रद्धालुओं के जो पहुंचने की संख्या है उस पर लगातार इजाफा हो रहा है। अब देखना यह होगा मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन के लिए कि किस तरीके से इन यात्रियों के लिए व्यवस्थाएं जुटा पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कपाट खुलने की जब प्रक्रिया शुरू होगी तो ऐसे में जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए क्या पूरी तरीके से व्यवस्थाएं जुट पाती है या नहीं जुट पाती है। उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 22 तारीख को अक्षय तृतीया के अवसर पर खुल चुके हैं, वहां पर यात्रा विधिवत रूप से चलने लगी है। लेकिन जो चुनौती होगी वो केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर प्रशासन के सामने यहां पर होगी, क्योंकि जिस तरीके से अगले एक सप्ताह तक मौसम विभाग ने लगातार मौसम बदलने की बात यहां पर कही है, भारी बारिश और बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने यहां पर जताई, तो ऐसे में इस धाम में केदार पूरी धाम में वो व्यवस्था उन यात्रियों के लिए जुटाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहां पर होगी। और जिस प्रकार से श्रद्धालु केदारनाथ धाम में अभी तक अपना आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो उसके से ये कहा जा सकता है कि अगर अभी उस संख्या को रोका नहीं गया तो फिर आने वाले दिनों में इतनी भीड़ इस धाम में यहाँ पर पहुंच पाएगी जिसके लिए प्रशासन के लिए जो व्यवस्थाएं होंगी वो यहाँ पर वाकुफ नहीं नजर पाएंगे। और हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं जो इस समय केदारनाथ धाम पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। सर नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम राहुल मुद्गल है, मैं आगरा से आया हूँ। सर आप पूरे रास्ते आए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी, क्या लगता है व्यवस्थाएं पूरी तो नहीं कह सकते आप इनको, क्योंकि गौरीकुंड में रूम नहीं मिल रहे हैं, काफ़ी लोग ऑन रोड रात भर इंतज़ार किए हैं बैठ के। मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि कम से कम सोने का इंतजाम करें, क्योंकि इतनी सर्दी में रात में आदमी नहीं रुक सकता है बाहर। क्या और व्यवस्थाएं भी आपको रास्ते में आज जब आते हुए देखे, क्या पानी की व्यवस्था है या रुकने के लिए कुछ ऐसे जो सेटअप पॉइंट बने? देखे हुए थे सेटअप पॉइंट में, देखिए मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी नहीं है, अगर किसी को दर्द भी है ना तो सिंगल आपको पेन किलर भी नहीं मिल रहा है रास्ते में। इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम सैक्रोलाइटिस, फिर भी मेरे को ना एक पेन किलर नहीं मिला। सर आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं? मैं ये गुजरात अंकलेश्वर से आया हूँ, सत्येंद्र शुक्ला नाम है मेरा, और मैं पहली बार आया हूँ। जैसा सुना था उससे कई गुना बेहतर और कई गुना अद्भुत नज़ारा बाबा का। धाम में आप पहुँचे, चारों तरफ बर्फ है, आप लोग यही कल्पना लेकर मन में आए थे कि केदारधाम धाम जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, जो वहाँ की सुंदरता उसको भी निहारेंगे। बिल्कुल, और कल्पना से परे अद्भुत है, इसको शब्दों से हम इसका व्याख्यान नहीं कर सकते। आज ये दृश्य देखिए, वाह, बाबा केदारनाथ का कलश का दर्शन हुआ, मन इतना प्रफुल्लित हो गया, सच में देवनगरी है, भगवान की नगरी है। क्या लगता है जिस प्रकार से आप रास्ते भर में आपने भीड़ देखी होगी या गौरीकुंड में जब आप आए रास्ते में भी आपने श्रद्धालु देखे होंगे, क्या व्यवस्थाएं उस लायक लग पा रही, यहाँ पर प्रशासन के लिए चुनौतियां हैं? बिल्कुल, मौसम को के मद्देनज़र प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, कर रहे हैं वो लोग प्रयास, लेकिन थोड़ा सा और उनको इससे बढ़ के आगे हट के करना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पूरे भारत से पूरे विश्व से यहाँ लोग आ रहे हैं और हम अगर चेक पोस्ट पर ढीले होकर बैठे रहेंगे प्रशासन इतना सुस्त रहेगा, काम नहीं चलेगा, थोड़ा उनको और तेजी दिखानी पड़ेगी, कर रहे हैं सारे कर्मचारी, रास्तों में साफ सफाई हर चीज़ की व्यवस्था बहुत सुंदर है, लेकिन प्रशासन को थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए। सबसे बड़ी बात है कि सरकार अपनी तरफ से प्रयास जरूर कर रही है व्यवस्थाएं, लेकिन जिस तरह की यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उनमें चीज़ों में चुनौतियाँ तो सरकार के सामने आई, क्या लगता है यात्रियों को भी मौसम के हिसाब से या जो सूचना दी जा रही है उसके हिसाब से आना चाहिए? देखिए कल से हम एडवाइजरी सुन रहे हैं, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने कई मैसेज दिए हैं कि भाई आप लोग नमत आइए, थोड़ा रुकिए नीचे हरिद्वार में ठहरिए, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। जब हम जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 15 दिन के अंदर बाबा के दर्शन करके वापस गुजरात पहुँचना है तो ये हमारे लिए वो टास्क है, हमारे लिए वो चुनौती है कि हम वापस अपने जगह पे पहुंच जाएं, इसलिए कैसे भी धक्का मुक्की करके प्रयास यही रहता है कि एक बार बाबा के धाम में पहुंच जाएं। तो प्रशासन भी क्या करेगा, सीमित संख्या हो, अनगिनत लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी प्रयास कर रही है और बेहतर प्रयास कर रही है। हरिद्वार से हम लोग देख रहे हैं खूब सुंदर प्रयास कर रही है प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के IAS, इन लोगों का भी हमने सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे मैसेजेस देखे, लेकिन प्रयास कर रहे हैं थोड़ा नाकाफी है, थोड़ा और करना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार अपना स्तर पर प्रयास कर रही है, अब जरूरत इस बात की भी है कि जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है उस एडवाइजरी का पालन श्रद्धालुओं को भी करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि केदारपुरी में जो परिस्थितियां बनती है खासतौर पर जो अचानक यहाँ मौसम बदलता है और उस मौसम बदलने के बाद जो यहाँ के हालात होते हैं उन हालातों से निपटना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है, तो ऐसे में प्रशासन की तैयारियां तो अपने स्तर पर जारी है, लेकिन जिस प्रकार से तैयारियां पूर्व में की जानी चाहिए थी, मंदिर समिति की तरफ से जो तैयारियां यहाँ पर की जानी चाहिए
थी, उन तैयारियों पर उतना असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब बाबा केदार के कपाट यहाँ पर खुलेंगे और सब श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे तो कम से कम इस प्रकृति के जो अद्भुत नजारे हैं, प्रकृति सौंदर्य जो यहाँ का है, उस सौंदर्य को देख के अभिभूत जरूर यहाँ पर हूँ। तो हमारे संवाददाता अभी कैंथुरक रिपोर्ट देख रहे थे आप सीधे केदारनाथ धाम से। अब सीधे लिए चलते हैं आपको फिर से केदारनाथ धाम, जहां पे अभी कैंथुरा इस वक्त मौजूद है और दिखाएंगे आपको क्या कुछ तैयारी वहां पे है, और क्योंकि जल्द ही कपाट खुलने वाले हैं तो क्या कुछ इंतजाम वहां पे किए गए हैं, क्योंकि सरकार लगातार कई दिनों से कवायद शुरू कर चुकी है इस इंतजामों को पूरा करने के लिए। कुछ डीएम भी दरअसल स्तर पर उतर के तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, सीएम भी वहां पे पहुंच के तमाम छोटी से छोटी चीजों को देख परख रहे हैं ताकि किसी भी तरीके के वहां पे किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े वहां के श्रद्धालुओं को। और इसी के सिलसिले में लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं केदारनाथ धाम पे, चारों धामों में किस तरीके से वहां पे इंतजाम किए गए हैं। सीधे हमारे साथ अभी कैंथुरा जुड़ चुके हैं। अगर बात की जाए अभी तो इस वक्त वहां पे क्या माहौल है, क्या कुछ दृश्य देखने को मिल रहा है सीधे केदारनाथ धाम से? देखिए केदारनाथ जब भी पहुंचे एक भक्तिमय माहौल यहाँ पर नजर आता है। आज भी ये कह सकते हैं कि कपाट खुलने से पहले भी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे वो यहाँ पर शिव के जय जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। भोले के दर्शन यानी बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर अपने आप को गदगद महसूस कर रहे हैं, खुशी प्रसन्न उन्हें खुशी महसूस हो रही है कि उनकी यात्रा सफल होने के मोड़ पर यहाँ पर आ चुकी है। और इंडिया वाइज की टीम ये कह सकते हैं कि मैं अभय कैंतुरा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो साथी हैं हर्ष उनियाल, वो यहाँ पर स्वयं मौके पर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये केदारनाथ धाम का वो पौराणिक दिव्य मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की तरफ से इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर की गई थी, और कल जब केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुलेंगे तो उससे पहले मंदिर को सजाने का जो काम है, जो मंदिर की सजावट का जो काम होता है, गेंदे के फूलों से सजाने का काम होता है, कुंटलों के हिसाब से यहाँ पर गेंदे के फूल यहाँ पर रखे गए हैं, उसका सजावट का काम यहाँ पर चल रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ पर है, मंदिर समिति के लोग तो ही साथ में जो श्रद्धालु यहाँ पर आए वो भी सजावट के कामों में अपना सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं। जो फूल मालाएं बना रहे हैं उस फूल मालाओं को बनाने में अपना सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं, भोले की जय जयकारे वो कर रहे हैं। और सभी लोगों को इंतजार इस बात का है कि इस अब से कुछ देर यानी कुछ समय बाद यानी कल सुबह जब बाबा केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुलेंगे और उसके बाद जो माहौल यहाँ का होगा वो भक्तिमय माहौल यहाँ पर होगा। चुनौतियाँ बहुत सारी यहाँ पर कह सकते हैं प्रशासन के सामने अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि केदार घाटी में मौसम जब बदलता है तो दुश्वारियाँ लेकर ये मौसम यहाँ पर आता है। कल शाम देर शाम तक जो बर्फबारी यहाँ पर होती रही, बारिश बर्फबारी यहाँ पर होती रही, वो परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ाने वाली कही जा सकती है, क्योंकि लगातार प्रशासन उन चुनौतियों से निपटने का काम जरूर यहाँ पर कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की विकट परिस्थितियाँ यहाँ पर होती है ऐसे में उन सभी चीज़ों में व्यवस्थाएँ माकूल कर पाना, पूरी उचित प्रबंध यहाँ पर दे पाना, वो सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होती है। लेकिन जिला प्रशासन और मंदिर समिति के लोग लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आए कम से कम उनकी यात्रा सुरक्षित और एक सुगम हो, उन्हें बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिल सके, सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। आईटीपी के जवान यहाँ पर लगाए गए जो शुरू से ही जब बर्फबारी यहाँ पर हुई थी मंदिर कपाट बंद होने के बाद से उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा में और लोग तैनात हैं। पुलिस जो स्थानीय पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, वो लगातार यहाँ पर मौजूद है, लगातार उसकी देखरेख में सुरक्षा के काम यहाँ पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मंदिर समिति की तरफ से अभी भी बर्फ़ को हटाने का काम यहाँ पर जारी है, क्योंकि बर्फ़ इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गिर चुकी है कि उसे हटाने के लिए बहुत भारी संख्या जवानों की फोर्स यहाँ पर लगानी पड़ रही है। जैसी भी मशीनों से ये बर्फ हटाई जा रही है ताकि किसी भी सूरत में कल सुबह के लिए मंदिर पूरा सजाया जा सके, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु कल सुबह धाम में मौजूद होंगे और बाबा के जय जयकारों के साथ जब कपाट खुलने की प्रक्रिया होगी उस समय वो सभी लोग सम्मिलित यहाँ पर होना चाहेंगे। और जिस तरीके से हमारे साथी हर्ष उनियाल ये पूरे कैमरे के जरिए पूरे नज़ारे पूरे दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं तो उससे समझा जा सकता है कि केदारनाथ धाम आने के लिए कितने लोग लालायित यहाँ पर हो रहे हैं, कितने उत्साहित तो लोग यहाँ पर हो रहे हैं। सभी की एक ही इच्छा है कि बाबा भोले के दर्शन यहाँ पर हो सके, उनकी जो यात्रा है वो यात्रा पूरी तरीके से सफल हो सके, केदारनाथ धाम के जरिए उनकी जो मनोकामना है वो यहाँ पर पूर्ण हो सके। जी बिल्कुल, कल सुबह 6:10 का वक्त है जब केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे अभी। लेकिन बात की जाए तो देखिए आपके आसपास वो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं जो लगातार सजावट का काम करे, उनसे बात कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है, कब से सजावट चल रही है, क्या रात पर वो यहीं रुके थे, क्या कुछ जानकारी है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए अभी।
जी बिल्कुल, हम उनसे भी बातचीत करेंगे जो इसमें सजावट के कामों में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ उन लोगों से भी बातचीत करेंगे जो यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो स्वयं यहाँ पर केदारनाथ धाम के इन कपाट की जो सुंदरता है, यानी मंदिर को सजाने का जो काम है, उसमें वो लोग लग रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आप नाम बता दीजिए, कहाँ से आए आप लोग? हम महाराष्ट्र से आए, अमरावती जिला। मेरा नाम सागर है। कितने लोग आप लोग कब पहुँचे? हम 25 लोग हैं, और पूरी की पूरी हमको कवलजीत राणावत मंगरोड़े, ये हमारे भैया है, इनके ओर से हम यहाँ पे। कब पहुँचे आप केदारनाथ धाम? यहाँ कल पहुँचे। कल पहुँचे, तो अभी मंदिर सजाने में आप लोग अपना सहयोग दे रहे हैं? हाँ। बोले बच्चे कितने लगते हैं? देखिए सभी लोग अपनी तरफ से वो सहयोग यहाँ पर दे रहे हैं, ताकि भोले उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सके, बाबा केदार उनकी मनोकामनाएं पूरी कर सके। और कोशिश यही है सभी लोगों की कि चाहे छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन उस कंट्रीब्यूशन के माध्यम से वो भोले के अपनी मनोकामना, अपने वो श्रद्धा भक्ति यहाँ पर दिखा सके। अभी भी ये कह सकते हैं कि फूलों के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी, क्योंकि लगभग 2 क्विंटल से ज़्यादा फूलों की मालाएँ यहाँ पर लगेंगी, और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये सजावट यहाँ पर होती है और कितनी मान्यता इस मंदिर को लेकर है, इस धाम को लेकर, क्योंकि शिव का ये धाम है, भोले का ये धाम है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर, त्रिकोणाकार के जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर विद्यमान है। और कहा जाता है कि पांडवों के समय में, जब पांडव काल था, महाभारत के समय में ये इस मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई थी। पांडवों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए जब शिव के दर्शन करने चाहे थे, तो उस समय उन्हें यहाँ पर इस ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्हें दर्शन यहाँ पर हुए थे, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। जो अपने भाई संगीत परिवारजनों की हत्या का आरोप उनके ऊपर लग रहा था, तो उसका मोक्ष पाने के लिए दर्शन यहाँ पर हुए थे। तो कोशिश यही है कि सभी लोग यहाँ पर अपनी यात्रा पूरी कर सके, और इंडिया वाइज भी लगातार अपने दर्शकों को इस चारधाम यात्रा की कवरेज यहाँ पर दे रहा है, यानी गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के बाद अब इंडिया वाइज खुद यहाँ पर केदारनाथ धाम पहुँचा है। केदारनाथ धाम में कल सुबह जब कपाट की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर खुलेगी, कपाट यहाँ पर खुलेंगे, तो उसमें इंडिया वाइज उस प्रक्रिया को पूरा श्रद्धालुओं तक पहुँचाने का काम यहाँ पर करेगा। और उसके बाद बद्रीनाथ धाम की, जब 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे, तब भी इंडिया वाइज वहाँ पर मौजूद रहेगा, और देश भर से, देश विदेश से जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से दर्शन करना चाहते हैं, वो इंडिया वाइज उनको दर्शन करा देगा, काम करेगा। जी जी बिल्कुल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पहुंचा रहा है अपने दर्शकों तक। काफी अद्भुत नजारा है, कितना अच्छा दृश्य साफ तौर पर नजर आ रहा है तस्वीरों के माध्यम से। लेकिन अभी देखिए, खास चीज तो यही है कि वहां पे श्रद्धालु अभी से जुटना इकट्ठा हो चुके हैं, किस तरीके से वहां पे भीड़ लगी हुई है और किस तरीके से पूरा योगदान दे रहे हैं श्रद्धालु वहां पे मंदिर को सजाने में। जब एक श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि कल हमने, यानी जो केदारनाथ धाम का जो मुख्य पड़ाव होता है गौरी कुंड, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है, हमने कल वहाँ भी उन सब चीज़ों को देखा था कि कितने संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। और आज भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और सहयोगी दृश्यों को दिखाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। ये संख्या कोई सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में इस समय भी नजर आ रही, क्योंकि अभी भी कई जो श्रद्धालु हैं वो रास्ते में हैं, वो भी केदारनाथ धाम आने के लिए अपने आने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार सभी लोगों की कोशिश यही है कि कल सुबह कपाट खुलने से पहले वो धाम में यहाँ पर पहुँच सके, ताकि धाम खुलने की जो प्रक्रिया होती है, कपाट खुलने की जो प्रक्रिया होती है, उस समय वो भगवान भोले के दर्शन यहाँ पर कर सकें, क्योंकि भगवान भोले की उनकी बड़े भगवान भोले के प्रति उनकी बड़ी आस्था होती है, बड़ी श्रद्धा उनकी होती है, और उसी श्रद्धा के चलते वो यहाँ पर चले आते हैं। क्योंकि केदारनाथ धाम जहाँ ये कह सकते हैं कि लगभग 14 से 16 किलोमीटर का एक पैदल रास्ता, पैदल ट्रैक यहाँ पर, और वो भी दुर्गम घाटियों से गुजरता हुआ है, चारों तरफ बर्फ आपको पूरे रास्ते में देखने को मिली होगी। और अभी भी ये कह सकते हैं कि मंदिर परिसर हो या मंदिर के आसपास की जो पहाड़ियाँ, पूरी सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो उन चीज़ों को दिखाएं, क्योंकि मंदिर के ठीक दाहिनी तरफ जो पहाड़ है, उसी पहाड़ के बीच में ध्यान गुफा है। ये ध्यान गुफा तब सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बनी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ध्यान गुफा में ध्यान किया था। 24 घंटे उन्होंने वहाँ पर ध्यान किया था। ये तब से अब तक ये कह सकते हैं कि इस गुफा में जो ध्यान करने वाले जो श्रद्धालु होते हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। और अभी भी ये इस बार उसकी प्रक्रिया, जो बुकिंग की जो प्रक्रिया हो, वो कपाट खुलने बाद यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और उसकी भी उसको लेकर भक्तों में, श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल
रहा है। तो कोशिश सब लोगों की यही है कि कपाट खुलने से पहले वो धाम में यहाँ पर पहुँचे, ताकि भोले के धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया सम्मिलित हो सके, भोले के दर्शन यहाँ पर कर सकें, बाबा केदार के दर्शन कर सकें और जो उनकी मनोकामनाएँ वो मनोकामनाएँ उनकी पूर्ण हो सके। जी जी, दिख रहा है साफ तौर पे कि क्या भव्य नजारा है, क्या सुंदर नजारा है। जिस तरीके से सफेद बर्फ की चादर से पूरे पहाड़ ढके हुए हैं और यहाँ पे लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी जरा बात कीजिए श्रद्धालु से, वहाँ पे और भी श्रद्धालु होंगे, क्या उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा इस दौरान, प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम उन्होंने देखे हैं? तो बिल्कुल हम उन लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ केदारनाथ धाम में पहुँचे, श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उनसे बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर उन श्रद्धालुओं से बातचीत यहाँ पर करते हैं। हमारे साथ हैं लोग, उनसे पूछते हैं, सर आप लोग केदारनाथ धाम पहुँचे हैं, पहले अपना नाम बता दिए, कहाँ से आप लोग? मेरा नाम जय ठाकुर है, हम लोग गुजरात वडोदरा शहर से आए हुए हैं। हमारी पूरी टीम 800 लोगों की यहाँ पे आई है, पूरी टूर वहाँ से निकली थी। हमने एक पूरा ट्रेन हमने गवर्नमेंट से लिया हुआ है, पूरी ट्रेन भर के हम लोग यहाँ पे केदारनाथ बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं। नहीं, प्रशासन श्रद्धालु को हम दर्शन करने देंगे। सही सही बात है, प्रशासन का बहुत ही सराहनीय कार्य है। उन लोगों ने कल ही इतनी सारी बर्फ यहाँ पे गिरी हुई है, हमें पता है, हमसे नीचे से हमको पता चला, हमने रास्ते में भी देखा बर्फ है, पर वो सारी साफ करके कोई भी दर्शनार्थी को दिक्कत ना पड़े केदारनाथ जी के दर्शन करने की, वो प्रशासन की सही में तारीफ करनी पड़े ऐसी है कि बहुत ही बढ़िया काम उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। प्रशासन लगातार एक चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर केदारनाथ धाम के प्रति लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उन लोग कम से कम वो लोग थोड़ा सब्र रखें, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आए और जो फॉरकास्ट का जो चेतावनियाँ जारी होते हैं उसको देखकर आए। सही बात है, पर केदारनाथ बाबा जी के अंदर लोगों की श्रद्धा इतनी है कि कोई समझने के लिए रेडी नहीं है। हमारा जो 800 लोगों का पूरा टीम है उसमें से हम लोग 80 लोग रात को 3 बजे निकले थे, हमें मौका मिल गया कि हम आ पाए ऊपर, हमने भी रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, पर ये जो एटमोसफियर सही नहीं था उसके कारण सबको हमको नीचे रोका गया था कि ऊपर बहुत बर्फबारी हुई है, आप ऊपर नहीं जा सकते, पर हम बहुत रिक्वेस्ट करके आए हैं क्योंकि हमने इस बार जो फूल है, हमारा जो पूरा वडोदरा शहर का टीम है जो टूर आया हुआ है, उन लोगों के द्वारा कोलकाता से फूल मंगवाए गए थे यहाँ भगवान को सजाने के लिए, और नहीं समझते दर्शनार्थी, आपकी बात बिल्कुल सही है। यही वो भक्ति भावना है जो भक्तों को यहाँ खींच के लाती है, और हम और भी भक्तों से यहाँ से बातचीत करेंगे, जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस रूप में यहाँ पर उनकी भक्ति भावना है, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। मैम आप बताइए कहाँ से आए हैं? सर मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत से, और हम कल आए थे शाम के टाइम, जिस टाइम यहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे साथ छोटा बच्चा है मेरा, जिस डिफ़िकल्ट रास्ता ना अच्छा डिफिकल्ट था, बट फिर भी यहाँ के एक ना मेंटली एंड फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है और मन शांत है यहाँ बैठ के, अब लगता है कितनी दूर का आके सफल हुआ हम। सफर लंबा है, थकाव वाला है, चुनौतियाँ बहुत सारी, बहुत सारी चुनौतियाँ थी, स्नोफॉल था रास्ते में, टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, बट अच्छा लगा, सफल हुआ। सरकार के लिए क्या कुछ कहेंगे कि क्या और व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए? जो व्यवस्था है अभी सरकार के लिए, बस मैं ये कहूँगी रास्ता थोड़ा सा और बना दिया जाए ना, तो हर जो एक आम आदमी वो भी आसानी से आ सके। बहुत डिफिकल्ट रास्ता है, बहुत डिफिकल्ट है, स्नोफॉल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, एनवायरनमेंट का भी फर्क है, बट रास्ता सही हो जाए ना तो बहुत अच्छे रहेगा। कल सुबह यहाँ पे कपाट खुलेंगे, क्या कुछ रहेगा? हाँ, हम मंदिर के कपाट कल खुलेंगे, हम सुबह सुबह नहा धो के हम पहले खड़े हो जाएंगे महादेव के दर्शन के लिए सबसे पहले, और बस मैं भगवान से यही कहूँगी, बस आपने यहाँ तक आने की क्षमता दी हमको, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, बस अपनी कृपा से ब्लेसिंग बनी रहे। यही वो भक्ति भावना है जो श्रद्धालुओं को यहाँ खींच के लाती है, और कल सुबह एक बार फिर जब कपाट खुलेंगे तो सरकार की तरफ से हर श्रद्धालुओं के ऊपर यहाँ पर पुष्प वर्षा भी गिराई जाएगी, फूलों की वर्षा भी यहाँ पर होगी और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा भी होगी, ताकि सभी लोगों की यात्रा सुरक्षित हो सके और उत्तराखंड का जो अतिथि देव का भाव है वो सभी के मन में बसा रह सके। जी जी, लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हमें कि किस तरीके से अभी यहाँ पे श्रद्धालु इकट्ठा हुए हैं और सजावट में, प्रशासन की सजावट में जो है वो मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और काफ़ी नज़ारा जो है वो अद्भुत है। लेकिन बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो एक्टिव केसों की संख्या है वो काफ़ी चिंताजनक है, तो किस तरीके से कोरोना के मद्देनज़र भी लोग यहाँ पे आने के लिए तैयार हुए, अपने आप को मनाए हैं?
दीपिका, श्रद्धालुओं के मन में एक ये कह सकते हैं कि आशंका जरूर यहाँ पर रहती है, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है वो संख्या कोई 100-200 नहीं कही जा सकती, हजारों की संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। जो केदारनाथ धाम के यानी चारधाम यात्रा के लिए जो कुल यात्रियों के रजिस्ट्रेशन हुए थे, उस रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए यहाँ पर हुए थे, और इन धामों के रजिस्ट्रेशन में आप ये कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं। और जिस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, अभी हमने जिस श्रद्धालु से बात की थी वो 800 लोगों की टीम गुजरात से यहां पर पहुंची है, और 800 लोगों की टीम अगर गुजरात से पूरी ट्रेन से एक साथ ट्रेन से यहां पर आ रही है, और उनकी तरफ से कोलकाता से इस सजावट के लिए कोलकाता से फूल यहां पर मंगाए गए, तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि भगवान भोले के प्रति कितनी आस्था लोगों के मन में है, और वही आस्था उन्हें यहां पर खींच के लाती है। ऐसे में चाहे कोरोना का काल हो, चाहे कोरोना का भयंकर वाला माहौल जरूर हो, भगवान भोले के प्रति जरूर चाहेंगे। केदारनाथ धाम में यह सजावट शुरू हो चुकी है, और कल सुबह का वक्त है 6:10 का वक्त है जब कपाट खोले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभय तमाम जानकारियों के लिए। तो सीधे केदारनाथ धाम से आप सीधी तस्वीर देख रहे थे, इंडिया वॉइस आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा था कि किस तरीके से वहां पे तैयारियां किस तरीके से चल रही है, और अभी से श्रद्धालुओं का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। श्रद्धालु बस कल सुबह 6:10 का इंतजार कर रहे हैं जब कपाट खुलेंगे। लगातार तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस।